स्वरूपं दृश्यमानं नगरी तुल्यं भवान् पश्यन् आत्मनः माया वैरूपं जपान्द्रयः यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये खेड़ा प्रपंच पांच का विस्तार
पांच कर्मेंद्रियों का विस्तार, पांच ज्ञानेंद्रियों का विस्तार, पंच प्राणों का विस्तार, पंच भूतों का विस्तार, पंच विषयों का विस्तार, पंच परमात्राओं का विस्तार, इस प्रकार ये पांच पांच का जो विस्तार भाग रहा है, तो ये विस्तार यदि एक में समन्वित न हो कि एक में से ही पांचों निकले और एक में ही पांचों का लय होता है, यदि उत्पत्ति और लय की प्रक्रिया से एक कारणत्व की सिद्धि न होए, ये किसी अन्य कारण से उत्पन्न होए, अन्य कारण में लीन होते होए, तो द्वैत की सिद्धि होगी, अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। यदि इनकी उत्पत्ति परमाणु से हुई हो, या प्रकृति से हुई हो, या चित्त से हुई हो, या किसी कारणांतर से हुई हो, शून्य से हुई हो, या न हुई हो, चार भूत से हुई हो या नित्य ही हो, तो अद्वितीय तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए पहले अपर ब्रह्म का अर्थात कारण ब्रह्म का निरूपण करना पड़ता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। कारण ब्रह्म का निरूपण किया जाता है जिज्ञासु की बुद्धि में ये बैठाने के लिए, ये जो पांच पांच का विस्तार, ये जो परपंच, ये जो इंद्रियों का बखेड़ा, ये जो विषयों का बखेड़ा भाग रहा है, तो वस्तुतः एक का ही विस्तार है। और पर ब्रह्म का निरूपण किया जाता है कि ये उसका विस्तार में परिणाम नहीं है, ये केवल विवर्त मात्र है, अद्वितीय वस्तु केवल इसके रूप में भास रही है, ये कार्य कारण भाव जो है ये कल्पित है, वस्तुतः पर ब्रह्म ही पर ब्रह्म है। तो अद्वितीय पर ब्रह्म में इस प्रपंच को संगत करने के लिए अपर ब्रह्म का निरूपण भी शास्त्र करते हैं। परंतु जो बालक है, बालक है माने नासमझ है, वो बालक यदि चाहे कि हम पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म को जान जाए, तो बालम प्रति सांपरायः न भाति। बालक के प्रति ये पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, अविद्वान के प्रति, मूर्ख के प्रति, बुद्धिहीन के प्रति ये परापर ब्रह्म का जो ज्ञान है वो नहीं होता, उसको ये भासता ही नहीं है। तो क्यों नहीं भासता? तो प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म। अरे भाई, वो तो प्रमाद में है ना। प्रमाद का अभिप्राय क्या है? खेल खिलौने में लगा हुआ है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा पढ़ो, और बेटा तो चला गया पतंग उड़ाने, गुल्ली डंडा खेलने। तो बालक जो है वो प्रमाद करता है, ये बालक का लक्षण है। वो अमृतत्व के मार्ग में चलना नहीं चाहता है, जानता नहीं है, वो मृत्यु के मार्ग में चलता है, यही प्रमाद है। माने खेल खिलौने में वो मतवाला हो गया है। सनत्व जातीय में ये प्रसंग आया है प्रमाद का। प्रमाद, प्रमाद क्या है? नभई मृत्यु व्याघ्रैवापि जन्मू। मौत बाघ की तरह आकर के किसी को खाती नहीं है, मौत मूर्तिमान होकर के, मृत्यु मूर्तिमान होकर के किसी को खाने के लिए नहीं आती। नभई मृत्यु व्याघ्रैवापि जन्तू। मौत को किसी ने देखा नहीं, लाल है कि काली है कि पीली है कि लंबी है कि चौड़ी है, उसकी आकृति कितनी है, उसका वजन कितना है, उसकी उम्र कितनी है, मौत को तो किसी ने देखा नहीं, न उसकी लंबाई न चौड़ाई।
पुराणों में एक कथा आई है कि ब्रह्मा जी ने मृत्यु की रचना की, मौत बनाई। तो जब कुमारी के रूप में हो, पहले बच्ची थी, फिर जरा जवानी की तरफ बढ़ी, कुमारावस्था में आई, तो ब्रह्मा जी को विवाह की चिंता हुई कि इसका विवाह करें। तो उसने कहा कि जा बेटी, तुझे जो पसंद हो दुनिया में उसको भरण कर। तो पहले पहल नारद जी उसको मिले। उसने कहा कि बस ये ब्रह्मचारी है, जवान है, देखने में सुंदर है, नारद जी हम तुमसे विवाह करेंगे। मृत्यु जो है वो नारद जी पर लुभा गई। अब नारद जी तो बड़े घबराए, बोले बाबा मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है और हमारे तो न घर है, न हमारे पास कोई वाहन है, न हमारे पास कोई धन दौलत है, विवाह करने के लिए तो सब चाहिए ना। अंत में मृत्यु मान गई। तो नारद जी ने कहा जा तू सारे लोक में घूम। जब लोक में घूमने गई तो कोई उसको पसंद न करे, सब इनकार कर दे कि हम तुमसे ब्याह नहीं करेंगे, सब अस्वीकार कर दे। पुराणों में ऐसे कथा है। तो फिर लौट के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पिताजी हमको तो कोई स्वीकार नहीं करता है, सब लोग मृत्यु को अस्वीकार करते। ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर हम क्या करें बेटी, तुमको जब कोई अंगीकार नहीं करता। वो बैठ के एकांत में रोने लग गई। रोने लग गई तो झट ब्रह्मा जी दौड़े और उसकी आंख से जो आंसू गिर रहे थे उनको उन्होंने ले लिया, हो अंजलि भर ली। बोले बस बस बेटी बस, तुमको चाहे कोई वरण करे चाहे नहीं करे, तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं लगेगा किसी को, तू तो निराकार हो जाएगी। और ये जो तेरे आंसू की बूंदे हैं, ये संसार में रोग बनेगी रोग, कोई टीबी, कोई तमा, कोई जुकाम, कोई बुखार, तो ये तेरे आंसू ही है ना। इसी से स्त्री को कभी कभी उलाना देते हैं ना, तो कहते हैं कि देवी तुम्हारे आंसू ही मारने के लिए काफी है, अब और क्या करोगे, तुम्हारे लिए अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने की जरूरत नहीं है ना। तो मृत्यु की आंसू ही, मृत्यु के आंसू ही संसार को मारने के लिए पर्याप्त है, तो मौत तो कहीं देखते नहीं। प्रमादम भई मृत्यु महम ब्रवीमी। असल में मौत को अगर पहचानना हो कि मौत क्या है, मृत्यु क्या है, तो जब मनुष्य के जीवन में प्रमाद आवे, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, वो भगवान से विमुख हो गए, सत्पथ से विमुख हो गए, सत्संग से विमुख हो गए, तब समझना कि अब मृत्यु इसके सिर पर नाच रही है। बिना मृत्यु का आवेश हुए कोई भले मार्ग को छोड़ता नहीं है। वो राष्ट्र, वो जाति, वो संप्रदाय नष्ट हो जाता है जो अपने कर्तव्य के संबंध में प्रमाद करता है। तो प्रमाद की अंता जो प्रमाद कर रहा है वो तो मृत्यु के चंगुल में रहेगा, मृत्यु के पंजे में वो खाता रहेगा, वो मृत्यु से मुक्त हो करके अमृतत्व की प्राप्ति कैसे करेगा। बोले भाई मनुष्य आखिर ये प्रमाद क्यों करता है, इतना सच्चाई महात्मा लोग अपने हृदय में ही ईश्वर का अनुभव कर लेते हैं कि यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्रवृत्ति भी नहीं, वृत्ति भी नहीं, क्योंकि हम जहाँ हैं वही ईश्वर है। हमारे आत्मा का अस्तित्व और ईश्वर का अस्तित्व, ये दोनों अलग अलग देश में, अलग अलग काल में, अलग अलग रूप में नहीं है। तो ऐसी अवस्था में भी परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता मनुष्य को, तो बताया विश्व मोहे न मूढ़ं। मनुष्य असल में धन के मोह में मूढ़ हो गया है। विश्व मोहे न मूढ़ं। विश्व माने जानी हुई वस्तुएं हो, जो दृश्य पदार्थ है ना उसी को वित्त बोलते हैं। विदित होता है विदित, अभिन्न और वित्त, ये धातुएं विद धातुएं जो है कई हैं।
सत्ता के अर्थ में है, विचार के अर्थ में है, लाभ के अर्थ में है, विद धातु, विद धातु का ही अर्थ में है। तो वित्त माने जो आत्मा के अतिरिक्त ज्ञात होता है वो सब का सब वित्त है। तो असल में मनुष्य अनात्मा के मोह में मूड हो गया है, दृश्य के मोह में मूड हो गया है। जिसको वो अपने से अलग अनुभव करता है उसको तो चाहता है, और अपने आप को जिसके लिए चाहता है उसको भूल गया है। वित्त मोहेन मूढ़ा, वित्त मोह ऐसे समझो जैसे कोई रास्ते में चलता हो तो कभी उसका पांव पीछे फिसल जाता है तो गिर जाएगा, और कभी उसका पांव आगे फिसल जाता है तो भी गिर जाएगा, और जहां पांव रखे वहीं फंस जाए तो वो भी गिर जाएगा, उनकी यात्रा नहीं बनेगी, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये मनुष्य का जो मन है ये क्या प्रमाद करता है, वित्त मोहे न मूढ़ा, वित्त मोहे न मूढ़ा, जो छूट गया, जो पीछे रह गया, क्यों नहीं है? बचपन में हमारा जीवन ऐसा था, अब वैसा नहीं रहा। भूत में जाने वाली उत्तम घटनाएं भी सुख का कारण बन जाती हैं। और कहते बोले हमारे ऐसा बढ़िया बेटा था नारद। मृत्यु तो भूत में जब हमारा मन पीछे की ओर फिसल जाता है, जैसे पांव फिसल जाए वैसे हमारा मन पीछे की ओर फिसल गया, तब क्या हुआ? बोले शोक आ गया मन में, और जब आगे की ओर गया भय आ गया मन में। आगे के लिए या तो लोभ होता है, अगर मिलने की है ना, ये काम है ना काम, तो आगे और मिले और मिले और मिले, और शायद न मिले। तो भय और लोभ दोनों भविष्य वृत्ति से होते हैं। भविष्य में हमको ये लाभ हो गए और भविष्य में कहीं ये हानि न हो जाए, भय होता है। अब ये सब क्या है कि ये मोह के विलास है। जैसे गाजन मोह लीला, जैसे रामलीला होती है, जैसे कृष्ण लीला होती है, वैसे हमारे जीवन में हमारे हृदय में एक मोह लीला होती है। वर्तमान में जिससे मोह है, बीते हुए की याद करें तो रोए, और आगे उसके नाश का ख्याल करें तो भयभीत हो जाएं, और वर्तमान में उसको पकड़ के बैठ जाएं, कहीं ये बदलने न पावे, ये कहीं जाने न पावे, तो मोह आ जाता है। वो मोह 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 माने चित्त का विपरीत हो जाना। मोह शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा में चित्त की विपरीतता, मोह वही चित्ती। तो विपरीत चित्त का होना क्या है, कि जो चीज जाने वाली है उसको रखने की कोशिश करना, ये चित्त की विपरीत विपरीतता है। अब कोई आदमी ये कोशिश करे कि हमारा बचपन हमेशा बना रहे तो क्या बना रहेगा? कोई आदमी ये कोशिश करे कि हमारे बाल हमेशा काले ही रहे, सफेद न हो, हमारे दांत न टूटे, हमारे चेहरे पर चुर्री न पड़े, हमारे बुढ़ापा न आवे, हमारे मौत न आवे, तो वो मोह करता है ना, अपनी जवानी के मोह में फंस गया। इसी प्रकार ये जो धन आता है और जाता है, ये कुछ व्यक्ति प्रारब्ध के अनुसार और कुछ समष्टि प्रारब्ध के अनुसार फलवतः उपपत्ते है। ईश्वर ईश्वर जो है वो हमारे पूर्व कर्मानुसार बहुत सारे फल हमारे सामने भेजता है और उनको हटाता है, अपना तो उसमें बस कोई है नहीं। लेकिन मनुष्य फल के मोह में ऐसा मुग्ध हो जाता है, मूड हो जाता है, मूड वित्त मोहे न मूढ़म, मूड माने अटक गया हो, अटक गया, ऐसा अटक गया कि अब दस मस नहीं होता है, हमारे पास तो यही रहना चाहिए, हमारे पास तो यही होना चाहिए, यही मूड है। मूड कौन है? गर्भो मूढ़ा, माँ के पेट में बच्चा था, अब जब उसको पैदा होना चाहिए तब पैदा न हो, निकले नहीं, वही रह गया, तब उसको क्या बोलते हैं? गर्भ मूड हो गया, उसको रास्ता नहीं मिला निकलने का। इसी प्रकार आदमी ये धन और संपत्ति के चक्कर में पड़ करके ऐसा मूड हो जाता है कि जब निकलने का अवसर प्राप्त होता है तब भी वो नहीं निकल पाता, यही उसकी मूढ़ता है। कहते हैं एक बार एक आदमी को
चार दीवारी के भीतर डाल दिया गया। चार दीवारी थी चौरासी को थी और उसमें से निकलने का एक ही दरवाजा था और वो आदमी था अंधा। तो उससे कह दिया गया कि ये दीवार पकड़े हुए तुम चले जाओ। तो एक हाथ में लिया लटिया और दूसरे हाथ से पकड़ा दीवार, कभी दीवार में जहाँ दरवाजा मिले वहाँ निकल जाना। हुई और खुजली हुई तो हाथ में एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ से वो खुजलाने लगा और चलता रहा। बल ये हुआ कि वो दरवाजा बीत गया और फिर उसको 84 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। तो इसी प्रकार ये जो संसार में जीव भटक रहा है 84 लाख जोनियों में, उनमें ये मनुष्य जोनी जो है ये निकलने का द्वार है। यहाँ आकर के भी यदि वो वित्त मोह से मूढ़ हो गया, यदि धन में फंस गया, जन में फंस गया, परिवार में फंस गया, शोक में, मोह में, लोभ में, भय में, काम में, तृष्णा में यदि ग्रस्त हो गया, यहाँ आकर के भी उसने परमात्मा को जानने की चेष्टा नहीं की, तो महती विनष्टि ही यह देव अवेदीन असत्यमस्ति न देवीन माति विनष्टि। इस मनुष्य जीवन में यदि परमात्मा को जान लिया तब तो तुम्हारा जीवन सत्य, और यदि इस जीवन में तुमने नहीं जाना तो बड़ा भारी विनाश सत्यानाश कर लिया। ये लोग ऐसा समझते हैं अयम लोको नास्ति पर इति, ये जो कुछ है तो यही लोक है, मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो भाई खाओ खेलो इसी में मौज उड़ाओ, यही जगत का मेला है। तो बस जगत इतना ही है जिसमें खा लो पी लो और संसार के सुख भोग लो, मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं। ऐसा करके महाराज मानी हो जाते हैं मानी, वो समझते हैं कि हमारे पास 4 पैसा है। नारायण हमने देखा एक एक बार काशी विद्यापीठ में वाराणसी में एक सभा हुई, सम्मेलन हुआ, तो उसका सभापति बनाए गए एक सेठ करोड़पति। अब महाराज विज्ञान परिषद, दर्शन परिषद, साहित्य परिषद का तो अधिवेशन, और सेठ जी महाराज तो तार बांटने के सिवाय और कुछ सेठ जी को आता नहीं था, और थे करोड़पति। तो जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया बड़ा सच्चा था वो, तो डर किसका, उसको तो पैसे वाले है जो है ना वो अपने से बड़े पैसे वाले का तो कुछ लिहाज करते हैं, परंतु अपने से छोटे पैसे वाले का तो लिहाज वो करते ही नहीं है ना। वो तो पैसे वाले को ही बड़ा मानते हैं, उनसे ज्यादा पैसा हो तो बड़ा मानेंगे। वो बोला कि देखो जी तुम लोगों ने हमको विज्ञान परिषद, दर्शन परिषद, साहित्य परिषद का प्रेसिडेंट बना दिया, हम जानते हैं हमको नहीं बनाया है तुमने, हमारे पैसे को बनाया है, तो तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो, बोला जो लेना हो तो ले लो बाबा, ये हम तुम्हारे घटाकाश मथाकाश के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, है ना, ये हम तुम्हारी दर्शन परिषद विज्ञान परिषद नहीं जानते, जो चाहिए तो हमसे ले लो, हम देने को तैयार हैं। तो महाराज वित्त को ए नमूढ़ एक 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 सज्जन, एक बार मिनिस्टर हो गए, अब मिनिस्टर हुए और दर्शन परिषद के अध्यक्ष चुन लिए गए। अब हम लोग तो सब फसुआ तरीके दर्शन परिषद में दाएं बाएं बैठे हुए है ना, फसुआ भर के, और मिनिस्टर साहब बैठे प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नारायण सर। अब उनको यही पता नहीं था कि दर्शन कहते किसको हैं, दर्शन माने आंख से देखना होता है, कि दर्शन कोई शास्त्र होता है ये बात उनको नहीं मालूम है ना। वो तो अनुसूचित जातियों में से चुन के आए थे और उनका आदर करने के लिए नारायण, वो तो व्याख्यान जब उनका हुआ तो बड़ा विलक्षण व्याख्यान भी बड़ा विलक्षण हुआ। बोले कि रामचंद्र भगवान बड़े भारी क्रांतिकारी थे, कैसे क्रांतिकारी थे कि जिसके बाप का कुछ पता नहीं, ऐसी जो जार जाता खेत में मिली हुई लड़की उसके साथ आगे बढ़ के ब्याह किया, वाह इतने बड़े क्रांतिकारी दर्शन परिषद में हो, अरे और मिनिस्टर वित्त में मूड हम, ये तो ऊंची कुर्सी मिली महाराज मानी, हम लोगों नास्ती पड़ी थी मानी, मानी हो जाते हैं हमारे बराबर, और कौन है हम बड़े पैसे वाले, हम बड़े ऊंचे पुरसिका वाले, है ना, पुरसिक तो है वो, इसमें तो कोई संदेह नहीं,
परंतु जहाँ मान आ जाता है ना, वहाँ परमात्मा का आविर्भाव कैसे होवे? परमात्मा देश मान में, माने मिनट में, घंटे में, काल मान में, मिनट में, घंटे में तो परमात्मा आने वाला नहीं, और देश मान में, इंच में, गज में परमात्मा आने वाला नहीं, और वस्तु मान में, छटाक और देर में है ना, तो परमात्मा आने वाला नहीं। और ये माने लोग यही चाहते हैं कि परमात्मा अगर कोई होवे तो वो भी हमारी मुट्ठी में होवे और हमारी मौत के अनुसार हमारी सेवा करे। तो जमराज कहते हैं कि ऐसे लोग मृत्यु के घेरे से पार नहीं होते, मृत्यु के चक्कर में रहकर पुनः पुनर्वत मापद्यते में ये बारंबार जन्म लेते हैं, बारंबार मरते हैं, इनको अमृतत्व का साक्षात्कार कभी नहीं होता। मृत्यु के अनंतर तो परापर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उस परापर ब्रह्म की प्राप्ति के संबंध में तो इनको कुछ पता नहीं है। ये जो वेदांत विद्या है, अमृत विद्या है, अमृतत्व विद्या, अमृतत्व, ये तो महाराज बहुत लोगों को सुनने के लिए भी नहीं मिलती, क्योंकि इस रास्ते में चले महाराज तो अनेक जो हैं वो बीच में हनुमान जी चले काहे के लिए, संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो बीच में रुकावट मिली कि नहीं? रुकावट मिल गई, वो तो रुकावट को पार करके चले गए। अगर अटक जाते उसमें तो उन्हें संजीवनी बूटी नहीं मिलती, वो लक्ष्मण जी को स्वस्थ नहीं कर पाते है ना। लक्ष्मण जी को स्वस्थ कैसे किया हनुमान जी ने? तो वो बीच के प्रतिबंधों में नहीं अटके, तब जाकर उपगिरी नाम संगमे नदी नाम जो संजीवनी बूटी मिलती है वो उनको लगे हुए हैं जिस काम में, उनको तो वेदांत का ये ब्रह्म विद्या का श्रवण भी प्राप्त नहीं हो सकता। श्रवण आयापि बहुर केवल अभ्या, ऐसा है ये पदार्थ जब पदार्थ बहु भी श्रवणायापि श्रवणार्थम अपनी श्रोतम अपनी न लभ्यः। और बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं हजारों महाराज जिन्होंने कान से वेदांत का नाम ही न सुना हो, कठोपनिषद का नाम ही न सुना हो। हजारों आदमी ऐसे जो जिन्होंने इस ब्रह्म विद्या का नाम ही न सुना हो, बहु भी श्रवणायापि न लभ्यः। बहुत लोगों को तो ये सुनने के लिए भी प्राप्त दुर्लभ है। श्रवणायापि बहुभिर् जो न लभ्यः श्रेणवन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशला अनुशिष्टः। और बहुत से लोग सुनते तो हैं पर सुनते ही समझ जाते हैं कि नहीं, सुन के वो समझ नहीं सकते। अब मंत्र का भाव कल सुनाएंगे।